अस्सलाम वालेकुम मामूजान। वालेकुम अस्सलाम। मामूजान आदिल कहाँ है? आपको आदिल से क्या काम पड़ गया बेटा? आदिल तो घर पे ही है। आदिल से तो मुझे हमेशा ही स्पेशल काम होता है। ओफो, मैं भी कितनी पागल हूँ। अपने कमरे में ही होगा, मैं वहीं उसे मुबारकबाद दे आती हूँ। लो जी, आदिल भी आ गया। वैसे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। कहते हैं जिसको दिल से याद किया जाए वो सामने ज़रूर आता है। आदिल यार, मुझे तो पक्का यकीन था कि तुम कामयाब ज़रूर होगे। इतने दिल से दुआएं की थी मैंने तुम्हारे लिए। तुम्हें किसने बताया? खाली तुम ही मेरी खबर नहीं रखते, मैं भी तुम पे पूरी पूरी नज़र रखती हूँ। अमताजन, मैं आपको नहीं बेटा, आप जहमत न करें, हम चले जाएंगे। वैसे भी हमने कुछ देर आराम करना था और आप भी शायद जिम जा रहे हैं, तो जाइए। चलो शुक्र है मामूजान चले गए। वैसे भी दो नौजवानों की बातों में बुजुर्गों का क्या काम। मिठाई? रास्ता छोड़ो मेरा। कब तक मुझसे भागोगे आदिल? मैं कोई रास्ता छोड़ूंगी ही नहीं तुम्हारे भागने का। मेरी जान, अब तो खुश हो जा। तुम बड़ी सरकारी नौकरी एक कदम के फासले पे। क्या बताऊं मैं तुझे, ये ट्रेनिंग लेटर की सारी खुशी ना गारत हो गई है मेरे लिए। ऐसा क्यों कह रहा है? ये सारी मेहनत मैंने ताजान के लिए की थी यार, मगर मगर नवाब साहब ने कुछ कहा क्या? कुछ कह ही तो नहीं रहे यार, वो ना जाने क्यों खामोश हो गए। जो आंखें अपनी तरफ बढ़ता देखकर चमक उठती थीं, मुझसे नजरें चुराने लगे। यार कोई वजह तो होगी ना, वरना तो नवाब साहब तो तुझे अपनी जान से भी ज्यादा जिद रखते हैं। पर यहां दो दिन हो गए, मैं उनसे बात करना चाहता हूं, वो कुछ बोलते ही नहीं है। मैं मिलने के लिए आगे बढ़ता हूं, मुझसे नजरें चुराकर वहां से चले जाते हैं। यार यार ऐसे कैसे? आदिल, कहीं किसी ने तेरे बारे में उनको कोई झूठ या कोई गलत बात तो नहीं कह दी? नहीं, वो किसी की बातों में आकर मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और तू खुद देख, मैं हर वक्त घर पे रहता हूँ, उनके इर्द गिर्द रहता हूँ, ट्यूशंस पढ़ाने जाता हूँ या फिर जिम जाता हूँ, फिर घर आ जाता हूँ। यार तू एक काम कर, तू उनसे पूछ ले, उनसे खुद बात कर। कोशिश करता हूँ यार। ले चाय ले यार, बिस्किट तो ला दे कोई।